आप भी चाहो तो थंबनेल बनाने यूट्यूब थंबनेल, तो देखिए भाई कितने सारे मैंने थंबनेल बनाए, आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे। एक एक थंबनेल बहुत ज़्यादा एमबी के होता है। देखिए मैं एमबी चेक करके दिखाता हूँ, इधर देख सकते हो तो डिटेल पर कितना एमबी आएगा, तो देखते हैं हम कितना एमबी आता है। और डिटेल में भी जल्दी चेक नहीं हो रहा है, 15.48 एमबी का है। तो देखिए आप लोग इसका साइज, ये भी थोड़ा सा भी फटेगा नहीं, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये भी थंबनेल देख सकते हो कितने ज़्यादा परफेक्ट है और मैंने बनाया है, आप लोग देख सकते हो। तो आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हो ऐसा थंबनेल, और इसी तरह आप चाहते हो बनाना तो बना सकते हो। मैंने बहुत सारे थंबनेल बनाए हैं जो कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन से देख सकते हो। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, ये वाले अभी बनाता हूँ मैं, और ये भी वाले मैंने वीडियो डाला है आज, कल परसों मैंने डाला है, तो आपको दिखा दूँगा दूसरी चैनल पर। और ये देख सकते हो ये भी बनाया है, और मोटू पतलू वाले ये भी टॉम एंड जेरी वाले आज बना कर रखा है, और ये देखिए ये भी रखा है मैंने बनाकर। ऐसे ही आप लोग बना सकते हो यूट्यूब थंबनेल। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा बैक कर लेना है, और ये देखो तो मैंने यूट्यूब पर ओपन किया है इसे, और देखिए कितना थंबनेल मैंने बनाया है। तो मैं क्या करता हूँ, पिक्सल लैब आपको बनाने के लिए, पिक्सल लैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो पिक्सल लैब। तो ओपन कर लेते हैं, और मैं आपको ऐसा ही सेम बना कर दिखाता हूँ। मैं पहले डिलीट कर देता हूँ सबको, मैं इधर से बैक कर लेता हूँ, ये देख सकते हो डिफॉल्ट पर ओपन कर लेते हैं। आपको YouTube का जो रेशियो होता है वो सेलेक्ट करना होगा कितना साइज होता है, तो मैं आपको बता दूँ, ये देख सकते हो साइज में आपको देख सकते हो YouTube थंबनेल और YouTube बैनर थंबनेल पर क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है। तो इतना साइज हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ थंबनेल बनाना किसके लिए, तो मैं चाहता हूँ जैसा कि मैं किसके लिए बनाऊँ, मैं आपको बता देता हूँ YouTube थंबनेल कैसे बनाएं, इसी पर बना देते हैं YouTube थंबनेल कैसे बनाएं। तो मैं क्या करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ इधर YouTube, और इधर लिख देता हूँ थंबनेल। मैं आपको इसी वीडियो को बना कर दिखाता हूँ YouTube थंबनेल कैसे बनाएं, YouTube थंबनेल YouTube थंबनेल कैसे बनाएं, ये भी आपको मैं बना कर दिखा देता हूँ YouTube थंबनेल कैसे बनाएं। लिख देता हूँ पहला YouTube थंबनेल कैसे बनाएं, या आप लोग इसे नेपाली में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, YouTube थंबनेल कैसे बनाएं इसको लिख देते हैं नेपाली में, तो अच्छा लगेगा दिखने में, जल्दी समझ जाएगा लोग। तो कैसे बनाएं लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं कैसे बनाएं, इधर लिख दिया कैसे, और एक और टेक्स्ट ऐड करके कैसे बनाएं, तो लिख देते हैं बनाएं कैसे बनाएं, जैसा कि ये देखो तो कैसे बनाएं। तो मैंने इधर लिख दिया, और YouTube का थोड़ा साइज ऊपर कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और इधर देख सकते हो तो कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। और ये कि YouTube का फ़ोटो ले लेना है आपको, और सिंपल मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। ये देखे तो इधर गायब हो चुका है, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ इधर से, कौन था कैसे था ये वाले, तो डिलीट कर दिया। और इधर से मैं टेस्ट को और भी ले लेता हूँ, कैसे बनाएं कैसे वाले ले लेते हैं, ये जो कि डिलीट हो चुका था, वो छुप गया था, तो इसीलिए इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबको साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है, कैसे बनाएं इधर इसको ऐसे रख देना है, और ये देखो तो मैं इसको ऐसे करके रख देता हूँ। और आपको क्या करना होगा, इसको लॉक कर देना है, सभी को लॉक करने के बाद आपको YouTube वाले डाउनलोड करना होगा PNG फ़ोटो। तो मैंने डाउनलोड किया होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहला, तो मैं ले लेता हूँ, कार्टून वीडियो मैंने बनाया था तो वो भी रखा हूँ। तो मैंने जो भी डाउनलोड किया है सारे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मैं ये देखो तो YouTube वाले मैंने ये लिया था, तो ये रख देते हैं YouTube का जो थंबनेल होता है कैसे बनाएं, या YouTube थंबनेल कैसे बनाएं, ये रख देते हैं इसी पर मैंने, तो ये रख दिया। और रखने के बाद मैं थोड़ा वेट करता हूँ। तो गाइस मैंने थोड़ा देर वेट कर लिया, देखा मैंने इसको बनाकर मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि मैंने इसे लॉक कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे भी लॉक कर देते हैं YouTube का, और सभी को अनलॉक कर देते हैं, सभी को नहीं, आपको जो का काम है उसको अनलॉक कर देना है। YouTube का काम है तो YouTube को क्या करते हैं, इधर से इस पर क्लिक करना होगा, जैसा कि इस पर, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखे तो बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, तो आप चाहो इसमें से ये तीर भी लगा सकते हो,
ये यूट्यूब हो गया, और यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाएं तो इसको मैं थोड़ा नीचे रख देता हूँ यूट्यूब का, इसे टिक कर देते हैं पहला, और इधर से सेलेक्ट करके यूट्यूब को थोड़ा नीचे रख देते हैं, और इसको थोड़ा घुमा कर रख देते हैं यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाएं, तो ऐसे हो गया यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाएं। तो देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, यूट्यूब का जो है इस पर क्लिक करते हैं ए वाले ऑप्शन पर, और इधर से मैं इसका टेक्स्ट जो फॉन्ट है वो बड़ा कर देते हैं, साइज मोटा कर देते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद ये देखिए तो इधर से कलर मैं चूज कर देता हूँ, स्टिकर पहने देते हैं बैकग्राउंड का, ये हो गया, या कोई भी दे सकते हो, ये दे देते हैं। और इसका कलर चेंज करने के लिए ये देखो तो कलर का ऑप्शन है, कलर दे सकते हो अपनी तरीके से, तो मैं ये दे देता हूँ। और थंबनेल का जो होता है वो मैं लाल दे देता हूँ, क्योंकि लाल बहुत अच्छा पड़ता है। तो हमने यूट्यूब का लाल दे दिया, देख सकते हो थंबनेल का लाल दे दिया, कलर और भी दे सकते हो आप चाहो तो। देखिए मैं क्यों इसको मोटा कर देता हूँ फॉन्ट में जाकर, ये देखे तो ये फॉन्ट हो गया, और इसे मोटा कर देते हैं अक्षर का, और इससे भी कर देते, सबको अनलॉक कर लेते पहला। और इससे अनलॉक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, फटाफट से आपको बना कर दिखाता हूँ। सिंपल सा आपको क्या करना होगा, इधर से स्टिकर वाला पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका बैकग्राउंड को जो कलर होता है वो चूज कर सकते हो, तो मैं चाहता हूँ ये रखना तो ये रख देते हैं। और ये जो कैसे है इसको भी कलर चूज कर लेते हैं पहला, फटाक से फंट चूज करके, और दोनों को फंट चूज कर लेते हैं मोटा वाला हम, और आप चाहे कोई भी चूज कर सकते हो, बहुत सारे उसमें हैं। तो आप लोग देखे तो मैं ये रख देता हूँ, या कोई भी रख देते हैं, तो मैं चाहता हूँ ग्रीन रखना तो ग्रीन रख सकते हो, तो मैं इसको ग्रीन रख देता हूँ, और इसको रख देता है ये कलर। और रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको जो बैकग्राउंड है वो स्टिकर वाला पर क्लिक करके इसको ऐसे करके हम ब्लैक कर सकते हो, या कोई भी कलर दे सकते हैं। तो इसको मैंने ये दे दिया कलर, और इसका इनेबल करके, और इसको भी कोई दूसरा कलर दे देते हैं, लाल वाले या फिर ये वाले दे देते हैं। और सभी को क्या करना होगा, इसको क्लिक करके, और YouTube तो लाल होता है तो YouTube के हम लाल रख देते हैं कलर, तभी अच्छा मिलेगा देखने में। तो YouTube को लाल रख देते हैं, और थंबनेल को ये रख देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करके 3D पर क्लिक करता हूँ, 3D लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, 3D पर इनेबल कर देना है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इसी को भी इनेबल कर देते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। और इसको भी इनेबल करके, और इसको भी इनेबल करते हैं, सिंपल आपको मैं बना कर दिखाता हूँ। और ये जो तीर है इसको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करके, और इधर जैसे तो सेटिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो, इतने बड़ा कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, इसका लोल बढ़ा सकते हो, विजिबल कर सकते हो, इसे कलर चेंज कर दे सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कोई भी कलर सेलेक्ट करना, तो मैं कोई भी ये कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड का जो कलर है वो चूज कर देता हूँ, इधर से देखे तो बैकग्राउंड का कलर है तो मैं चूज कर देता हूँ इधर वाइट वाले, और वाइट वाले चूज करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा, और बड़ा करने के बाद देखिए कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, तो मैंने इसे ऐसे करके रख दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर और भी चीज़ ऐड कर सकते हो, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, तो इसको इधर रख देते हैं, और यूट्यूब को हम ऊपर रख देते हैं, और इसको क्या करते हैं थोड़ा छोटा करके, और यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, तो ऐसे करके इधर रख देते हैं। और यो भी 2 मिनट में, इधर सिर्फ 2 मिनट में लिख देते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करके, और सीधा सिर्फ 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 2 मिनट में, 2 मिनट में, 2 मिनट में सस्पेंस आपको क्रिएट करना होगा, सस्पेंस 2 मिनट में, 2 मिनट में, मिनट में, 2 मिनट में, ऐसे करके लिख देना होगा। और इधर से मैं रख देता हूँ 2 मिनट में, और इधर से लाइव भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आपकी मर्जी। तो सीधा इसको मैंने लिख दिया 2 मिनट में, और इसको मैं साइड में रख देता हूँ, इससे इधर थोड़ा इसको मैं इधर करके, और इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इससे नीचे में रख देते हैं सिर्फ 2 मिनट में, इसे लाल कलर कर देते हैं, इसी पर जाकर इधर कलर होगा, लाल कलर कर देते हैं, या लाल कलर, ये कलर कर देते, ये अच्छा लगता है दिखने में। तो इसे मैं ये वाले फॉन्ट दे देता हूँ, स्टिकर, स्टिकर देने के बाद ये वाले स्टिकर दे देते हैं, कोई भी यही दे देते हैं, और ओके कर देते हैं। और उसके बाद इसको फॉन्ट आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बड़े फॉन्ट, तो मैं इसको कोई स्टाइलिश वाले फॉन्ट दे देता हूँ, ये वाले,
और उसके बाद आपको क्या करना होगा, इधर एक मैन को लगाना होगा, कोई भी आदमी को। तो मैं इसे आदमी को लगा देता हूँ जो कि मैंने डाउनलोड किया है। तो मैं गैलरी में सर जाता हूँ और इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी लगा देना है जो कि मैंने बहुत सारे डाउनलोड किया है। इधर से क्लिक करके और ये देखो तो मैं किसी को लगा देता हूँ, यस वाला है जो कि एक पॉजिटिव मैन में लेता है मैंड में। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इतने बड़ा, और सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करते हैं हम, इधर से ये वाले ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करना है और इसको मैं बैकग्राउंड हटा देते हैं। ये देखो तो इरेजर कलर पर क्लिक करते हैं और इससे बैकग्राउंड हट चुका है। और कुछ इस तरीके से मैं इधर रख दूंगा इसको थोड़ा बड़ा करके, जो कि एक पॉजिटिव मैन मिलेगा। और इधर देखो तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और भी बड़ा कर सकते हो आप। तो मैं इधर ऐसे करके रख देता हूँ और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए सिर्फ 2 मिनट में, तो मैंने बना दिया। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसा ही बना सकते हो। तो इससे भी अच्छा बनाऊंगा दूसरे वीडियो में, आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। और सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, अच्छे क्वालिटी में सेव करना चाहते हो 10-20 MB में, तो आप लोग सीधा इस पर सेव पर क्लिक करना होगा। और ये देख सकते हो तो इधर ऑप्शन है सेव इमेज, इस पर क्लिक करना है। और नीचे वाले पर क्लिक करने के बाद इधर देख सकते हो तो कस्टम पर आपको लिखना होगा 7-6, और इधर इस 7 को हटाकर 4-3, और इसके बाद PNG लगाकर। और आपको देख सकते हो, मैं फिर से मैं बता देता हूँ, सेव करने के लिए इस पर क्लिक करना है सेव एज इमेज पर क्लिक करने के बाद ये 1200 रहेगा, तो 12 को हटाकर और 7-6 रख देना है, और इस 7 को हटाकर 4-3 रख देना है, डन कर देना है। और आपको ये देख सकते हो तो PNG सेलेक्ट कर लेना है, सेव कर देना है, और ये जो इमेज सेव होगा वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी में रहेगा। तो मैं आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको सेव होने देते हैं और स्किप करते थोड़ा। तो गाइस इसे सेव होने देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छी क्वालिटी देगा, 16 MB या 15 MB या 10 MB देगा इसका क्वालिटी। और इस जो थंबनेल होगा, आपका थंबनेल कभी नहीं फटेगा, क्योंकि आप लोग 10 साल पुराना भी वीडियो अपलोड कर दो तो आपका थंबनेल पूरा HD क्वालिटी में रहेगा, फुल HD में। तो इसे सेव होने देते थोड़ा टाइम लगेगा। और थंबनेल में एक चीज़ और भी ऐड करना है जो कि आपको बताकर भी दिखाएंगे, और इसे सेव करके फिर भी उसके सेव करेंगे। उसको सेव करने के लिए मैं एक और ट्रिक लगाऊंगा जिससे तुरंत ही हो जाएगा, तो आप लोगों को वेट करना होगा। तो वेट करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, तो वेट करिए प्लीज़ गाइस। तो इसको होने देते सेव, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप चाहते हो अच्छी क्वालिटी में सेव करना तो कर सकते हो। अगर आप लोग इसे सेव कर दोगे तो आपका जो थंबनेल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोग 10 साल पुराना भी वीडियो अपलोड कर दोगे तो आपका थंबनेल कभी नहीं फटेगा और YouTube पर अच्छा ही देखेगा, YouTube और भी इंप्रूव हो जाएगा। तो भी तो इसे सेव होने देते हैं, 16 MB या 15 MB का होगा सेव होने के लिए, तो होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। और आपको थंबनेल में कुछ चेंजेस करके दिखाएंगे और फिर सेव करेंगे तुरंत ही। और उसे सेव करने के लिए कुछ भी नहीं ट्रिक लगेगा, उसमें एक ट्रिक लगेगा जिसे सेव करोगे तुरंत ही। तो आपको वीडियो क्लास तक ध्यान से देखना है, इसे सेव होने देते हैं। तो गाइस अभी फ़ोटो सेव होने लगा है, थोड़ा देर रुकने के बाद देखिए भाई फ़ोटो सेव हो रहा है, और इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आपको मैं दिखाएंगे। और सेव होने देते हैं, और सेव होने देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है यार, इतना टाइम तो लगता है। अगर आप लोग चाहते हो अच्छी क्वालिटी में सेव करना तो मैं इसमें और भी चीज़ इम्प्रूव करूँगा। ये तो सेव हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फ़ोटो जो कि मेरा गैलरी में हो जाएगा सेव। तो मैं आपको दिखाता हूँ पटा से, तो मैं क्या करता हूँ बैक कर लेता हूँ, और मैंने जो अभी सेव किया है वो थंबनेल इधर ही होगा कहीं। तो ये देखो तो इधर है, नहीं ये है भाई, इधर देखो तो फर्स्ट में है। और इससे देखिए भाई अभी तो ब्लर जैसा लग रहा है, कितना भी जूम कर लो इसमें फटेगा नहीं, देखिए थोड़ा सा भी नहीं फट रहा है, आप लोग देखिए भाई। और थंबनेल कितना अच्छा क्वालिटी हो गया, मैं इसका MB चेक कर लेता हूँ, और इसका MB देखते हैं, ओ भाई 5.0.2 का MB है इसका, देखिए भाई। और पिक्सल देखिए 76-80 पिक्सल है। तो गाइज ये जो फ़ोटो है थोड़ा सा भी फटेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिटी हो चुका है। और इस थंबनेल में हमको एक कमी मिली जिसे मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं किसी थंबनेल को चूज़ कर लेता हूँ। जैसा कि मैं कोई भी थंबनेल बना रहा हो तो यार थंबनेल तो दिखाना चाहिए, यूट्यूब का थंबनेल बना रहा हो तो कैसा थंबनेल बना रहा हो ये तो कम से कम दिखाना चाहिए। तो मैं कोई भी थंबनेल को रख देता हूँ साइड में, तो मैं क्या करता हूँ इसे रख देता हूँ,
और इसे रख देता हूँ, फिर उसमें चूज कर लेते हैं। और इसका साइज़ तो पता ही होगा, यूट्यूब का साइज़ है। तो इसे मैं इधर थोड़ा सा छोटा करके, और कैसा बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इधर इधर रख दिया है। और मैं क्या करता हूँ, ऊपर में रख देते हैं यूट्यूब थंबनेल। कैसे बनाए थंबनेल, ये हो गया। और इससे मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर रख देता हूँ। इस स्टिकर से बॉर्डर रख देते हैं, ऐसे बॉर्डर रख देते हैं थोड़ा बड़े वाले। ऐसे थंबनेल बना सकते हो यूट्यूब से, यूट्यूब के लिए। तो देख सकते हो यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, तो ऐसा थंबनेल आप लोग बना सकते हो। तो इसे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे कर देते हैं, और इसे देख सकते हो कुछ ऐसा तरीके से। तो मैं यही थंबनेल को रखूँगा यूट्यूब पर, आप लोग खुद देख लेना इस वीडियो को। और देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं ऊपर में रख देता हूँ इसको बीच में, और बीच में रखने के बाद इससे मैं इस तीर को थोड़ा कंट्रोल करता हूँ। सभी को लॉक करने के बाद इस तीर को कंट्रोल करना होगा। तो मैं इस तीर को ओके करके इधर थोड़ा बढ़ाकर, और इस तरीके से रख दिया है हमने। तो YouTube थंबनेल कैसे बनाएं, और इसे सेव करने के लिए आपको क्या करना है, सेव करने के लिए इस पर देख सकते हो सेव एज पर क्लिक करना होगा। और ये देख सकते हो, आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करोगी और सीधा PNG लिखोगी, PNG सेलेक्ट करोगी और आप लोग सेव करोगी, तो देख सकते हो तुरंत ही सेव हो जाएगा गैलरी में। और मैं आपको इसे ओपन करके भी दिखाएंगे, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है लेकिन तुरंत ही हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले भी तो सेव ही हो चुका है फ़ोटो। और मैं आपको इसका MB दिखाता हूँ कितना MB होता है। और इसका MB देखिए, और इस फ़ोटो का MB देखिए भाई, इस थंबनेल का MB देखिए कितना है, बहुत कम MB रहेगा इसका। देखते हैं, देखिए भाई KB का है। और आप लोग चाहते हो MB में सेव करना तो नहीं फटेगा। और ये देखिए, ये MB में है तो ये तो देखिए 5.0.2 MB का है। और ये देखिए, इसका मैं जूम करता हूँ तो देखिए भाई कैसा फटने लगता है, और जूम नहीं होता है ज़्यादा, देखिए। और ये जो पिक्सल है, ये देखिए भाई, ये जूम कितना भी कर लो फटेगा नहीं, थोड़ा सा भी नहीं फटेगा। और इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग वैसे सेव करें जैसे मैं कहता हूँ। तो आपको इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसा कि मैं सेव करके दिखाता हूँ। इधर देख सकते हो 7-6 लिख देना है, 7 को हटा कर 4-3, और सीधा PNG सेलेक्ट करके इधर से सेव कर सकते हो। तो गाइज, आप लोगों को तो वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।